सिकर में धो थाना इलाके के नागवा गांव में दुल्हन अपहरण मामले को लेकर राजपूत समाज का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड्ढा और साथ ही राष्ट्रीय कर्णी सेना के संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में राजपूत छात्रावास के सामने धरना दिया जा रहा है। गुरुवार से ही समाज के हजारों लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने शुक्रवार शाम तक दुल्हन बरामद नहीं करने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी और इस घटना के विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी जयपुर में राजपूत समाज के लोग डीजीपी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं। हालांकि इस मामले में धो थाना पुलिस ने अपहरण में सहयोग करने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया तो वही आंदोलन के चलते प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ता भी धरना स्थल पर तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना सामने न आए। हमें हर हालत में वो हमारी बहन चाहिए। हम घरों के अंदर नहीं जा सकते, हमारी घरों में हमारी औरतें हमें घरों में जा रहे हैं तो हमें धिक्कार रही है कि तुम राजपूत हो। अरे तुम्हारी बहन बेटी की डोली उठा करके ले गए। जो 35 कौम के लोग हुआ करते थे वो डोली की रक्षा करने के लिए राजपूतों को बरात में साथ लेकर के जाया करते थे और आपके खुद की डोली उठा करके ले गए, आपकी बहन को उठा करके ले गए और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हम राजपूतों ने हथियार घरों में रखे हैं, चलाने नहीं भूले हैं, उनको दोबारा उठाने पर हमें मजबूर मत करो। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए आपको बता दूं कि आनंद कछावा फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, इस पूरे मामले में 3 दिन से राजपूत समाज सीकर की सड़कों पर उतर आ चुका है और यही नहीं विधायक राजेंद्र गुड्डा भी इस समर्थन में है। क्या था ये पूरा मामला और अब क्या कुछ लग रहा है 4 आरोपियों से जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस ने, क्या कुछ उनसे पूछताछ के बाद निकल कर बाहर आया और इन सब पे पुलिस का भी क्या रवैया है? ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजपूत समाज में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और कल जिला कलेक्टर निवास पर राजपूत समाज के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और वार्ता के बाद में समय दिया गया, आज शाम तक का समय दिया है प्रशासन ने। आज शाम तक अगर मुख्य आरोपी को और अगवा की गई दुल्हन को बरामद नहीं किया गया तो कल हो सकता है राजपूत समाज फिर से सड़कों पर उतर आए। हालांकि फिलहाल राजपूत छात्रावास के सामने अभी भी राजपूत समाज के लोग धरने पे बैठे हैं। जी ज्योति। जी आनंद, जिस तरह से इस पूरे धरने को, पूरे प्रदर्शन को विधायक राजेंद्र गुड्डा के नेतृत्व में किया जा रहा है और साथ ही राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोगामेड़ी भी यहां पे मौजूद है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, उनकी क्या मांगे हैं, उचित मांग क्या है कि दुल्हन को समय पर दस्तयाब किया जाए और साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि राजपूतों को ललकारा है, राजपूतों की आन और बान और शान को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। इसका हम ये न समझे कि हथियार हमने घर पर रख दिए तो हम चलाना भूल गए हैं, तो प्रशासन और सरकार ठेस जाए, समय रहते हमारी बेटी को बरामद करे और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जी आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि 16 अप्रैल को सीकर में एक दुल्हन को अगवा किया गया और इसी के पक्ष में राजपूत समाज पिछले 2 दिन से लगातार सीकर की सड़कों पर बैठा है और इसी के पक्ष में जयपुर में भी राजपूत समाज ने यहां डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस धरने को राष्ट्रीय कर्णी सेना के संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही उदयपुर वाटी के रहने वाले विधायक राजेंद्र गुड्ढा के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि पुलिस समय रहते दुल्हन को दस्तयाब करे और साथ ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करे जल्द से जल्द।